हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी बेहतर होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका मेंटोर, इवन मैं कहता हूं मैथ्स मेंटोर फरमान मलिक। और ये है आपका अपना प्यारा सा चैनल एफएम मैथ्स। लेकिन आज थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। नाम तो मैथ्स है, बट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज फरमान सर आपको पढ़ाने वाले हैं अमेजिंग बायोलॉजी। तो ये चेंज क्यों हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट नो। बट आप जितना सपोर्ट मैथमेटिक्स में करते हैं, तो मैंने सोचा कि साइंस को भी स्टार्ट किया जाए आपके सेकेंड टर्म में। और काफी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं साइंस में भी, तो बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर आज का ये लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। अमेजिंग ही मैथ्स वाली ही ट्रिक, आपको मैथ्स वाले ही फंडामेंटल्स लेके बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और सीबीएसई की जैसा कि डेट भी आ चुकी है एग्जाम की, आपको पता है 26 अप्रैल से एग्जाम है, तो पढ़ने का टाइम आ गया है, लड़ने का टाइम आ गया है। तो नोट्स आप साथ के साथ बनाते चलेंगे, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और यकीनन मैं यकीन दिला रहा हूं आपको, बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत अमेजिंग ये लेक्चर होने वाला है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं होते हैं तो उसकी गारंटी मैं देता हूं, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके सारे हो जाएंगे। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए बायोलॉजी मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन, ये 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है 40 मार्क्स में से, तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिप्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई स्पीशीज कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बेसिक आपने बच्चों क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आई थिंक, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि थोड़ा बहुत तो आपके पास है। ये आप देख रहे हैं, ये किटिन्स हैं, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे। ये बिल्ली से कुत्ते के बच्चे तो पैदा नहीं हो सकते। ये चिड़िया के देख रहे हैं, छोटे छोटे चूजे हैं। और ये एक प्लेनेरिया है जिसको 3 पार्ट में कट करने के बाद भी रीजनरेट हो जाता है भैया, रीजनरेशन सेल इसके पास होते हैं। और ये बडिंग से हाइड्रा, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो रिप्रोडक्शन आप बच्चों बहुत पहले से जानते हैं क्या होता है रिप्रोडक्शन, जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। पूरी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन इस लेक्चर में चलेगी, कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, मजे में बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। तो नाम है रिप्रोडक्शन। जब कोई स्पेशीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है अर्थ के ऊपर, और वो अपने ही जैसे किसी न्यू यंग वंश को जन्म देती है। अब हमने देखा है किसी में तो दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड सो कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अमीबा है, तो अमीबा क्या मेल फीमेल होता है, नहीं होता है। तो अमीबा एक ही सेल दो सेल में डिवाइड होके दो डॉटर सेल बना देता है, तो उसके बेस पे तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल डिवाइड होगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो ये रिप्रोडक्शन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू यंग वंश को जन्म देती है, अपने जैसे अपने स्पेशीज को ही विद द एग्जिस्टिंग वंश। तो इसी फेनोमेना को या इसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज इसे अच्छा, एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन भी इस पे बनाया था कि रिप्रोडक्शन इज बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल और रिप्रोडक्शन इज बेनिफिशियल फॉर द स्पेशीज। अब कोई इंसान है या कोई स्पेशीज है और इवन वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये कोई इंसान का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ह्यूमन बींग्स से, ह्यूमन बींग्स को आसानी से समझ में आएगा। किसी इंसान ने शादी नहीं की और उसके बच्चे नहीं, तो उससे उसकी एज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, वो कम जिंदा रहेगा या वो ज्यादा साल तक जिंदा रहेगा। इंडिविजुअली मैं समझता हूं कि उसका कोई फायदा नुकसान, हाँ हम ये कह सकते हैं इस सोसाइटी में कि उसका वंश खत्म हो गया, वो तो अलग की बात है, वो उसकी जनरेशन उसकी कहना चाहिए खत्म हो गई। बट अगर सारी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना छोड़ दें तो वो स्पीशीज अर्थ से खत्म हो जाएगी, तो सही बात है कि नहीं बात है। तो रिप्रोडक्शन हमारी स्पेशीज को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है, और ऐसी टेंडेंसी गॉड ने हमारे अंदर डाली है कि रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म करती है, और हर ऑर्गेनिज्म को अपने बच्चों से कहना चाहिए इनफाइनाइटली प्यार होता है, इनफाइनाइटली, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेशीज ऑन दिस अर्थ। इंडिविजुअल के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन स्पेशीज के सर्वाइवल के लिए फायदेमंद है। तो होपफुली आपको बात पहुंच गई आराम से कि रिप्रोडक्शन क्या होता है।
बड़े पिक्चर्स की फॉर्म में बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल बिंदास समझाएंगे। कॉपी पेन नोटबुक स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। अब ये नाम आपने सुना होगा, ये हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लगता है और बहुत सारे बच्चे तो इसको पढ़ते भी नहीं है, सीधे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और वही फ्रेगमेंटेशन बडिंग याद कर लिया। बट मैं समझता हूँ कि उतना पढ़ के काम चल नहीं पाएगा, बिकॉज बच्चों आप हो क्लास टेंथ में, वही नॉलेज एट्थ में थी, एट रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस वाला जो चैप्टर आपने क्लास एट्थ में पढ़ा था और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन वही नॉलेज अगर यहाँ पे रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं, डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग का क्या लेना देना है? तो सारे बच्चे टेंथ क्लास में थोड़ा बहुत समझते हैं, डीएनए नाम तो सभी ने सुना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं, वो डीएनए से ही बने होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्लास नाइन्थ में आपने सब पढ़ा था। तो जब कोई सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो अपने डीएनए की कॉपी करता है, अपने डीएनए की कॉपी करता है। दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस और एक माइटोटिक। तो सीबीएसई ने उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया है सिलेबस में, बट मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज तक पहुंचूं। तो अगर आपके फादर का जो गैमेट है, जो स्पर्म है, और मदर का जो ओवम है, तो उनके सेल ने कॉपी करके अपना डीएनए अपने गैमेट में भेज दिया होगा, आपके फादर का, आपके मदर का। तो अब जो डीएनए कॉपिंग हुआ और फिर आपके फादर के स्पर्म का और आपके मदर के ओवम का जब फ्यूजन हो गया, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो वो जो डीएनए कॉपी होके आया है, वही कैरेक्टर फिर हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके लिए फिर अलग चैप्टर भी बनाया हुआ है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो कहना ये चाहते हैं कि द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। विदाउट डीएनए कॉपी नेक्स्ट जनरेशन पॉसिबल ही नहीं है। हर सेल अपने आप की डीएनए कॉपी करके दूसरा सेल बनाता है। इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब सेल अपनी कॉपी बनाता है अपने डीएनए की। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए मे हैव सम वेरिएशन विद ईच टाइम। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि अभी आप फोटोकॉपी करिए, किसी भी चीज की फोटोकॉपी कर लीजिए, या वो फोटोकॉपी 100% बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, या उसमें 1-2% ब्राइटनेस कॉन्ट्रेस्ट आप जो फोटोकॉपी कराते हैं तो थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा हो जाता है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब भी कोई इंडिविजुअल या कोई स्पेशीज अपने डीएनए की कॉपी करती है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, थोड़ा सा। आप कहेंगे सर थोड़ा सा आता है तो हम अपने माँ बाप की तरह क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि यहां पर बेटा दो डीएनए है, एक मदर का एक फादर का, तो दो डिफरेंट डीएनए आपस में फ्यूज हुए, तो सेक्सुअल में तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं, लेकिन असेक्सुअल में अगर आप देखेंगे, एक अमीबा से जो अमीबा बनता है तो बिल्कुल आइडेंटिकली होता है, उसी की तरह होता है, क्योंकि वहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। तो कहना का मतलब यह है कि जब डीएनए कॉपी होती है तो थोड़े बहुत वेरिएशन आते हैं, और वो वेरिएशन फायदेमंद होते हैं, इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, आगे हम बताएंगे। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपी इज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट वे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। तो जो डीएनए कॉपी होती है वो बिल्कुल सिमिलर तो होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती। देखिए अब ये मदर अमीबा है, मदर अमीबा से ग्रोथ हुई, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और जाके ये दो डॉटर अमीबा बन गए, लेकिन यहाँ पे एक सेल ने खुद को डिवाइड किया है, समझ आ रही बात? तो ये मियोसिस, और जब हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे माइटोटिक और मियोसिस दोनों होते हैं, उस पर मैं अभी ज्यादा जाना नहीं चाह रहा हूं। तो इस बच्चे के अंदर इसकी मदर का भी है और फादर, देखिए आंखें देखिए दोनों की, बड़ा ही खूबसूरत लग रहे हैं दोनों, दोनों की आंखें देखिए ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है ना, तो कलर, और दोनों का कलर ही बिल्कुल फेयर भी है, तो कलर बच्चे में जो है मदर का आ गया, बट इनके बाल जो है, इनके जो हेयर है वो ब्राउन है, हो सकता है फादर के ब्लैक रहे हैं तो बच्चे के तो ब्लैक दिख रहे हैं, लेकिन क्या बच्चा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है अपनी मदर की? नहीं, सिमिलर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट डीएनए है। तो कहने का मतलब ये है जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करती है तो वो अपने डीएनए की कॉपी करती है, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो असेक्सुअल हो। तो डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, इज अ नेसेसरी इवेंट। जो कॉपी बनेगी वो सिमिलर भी हो सकती है और थोड़े बहुत वेरिएशंस उसके अंदर अकर होते हैं। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन ना के बराबर होते हैं, जैसा कि आपने अमीबा में देखा। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलते हैं, ये मैंने क्यों इंक्लूड किया है, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, अगर आप कन्वेंशनल स्टडी करें आपके क्लासेस में, आपके स्कूल्स में, तो जनरली इन टॉपिक पे बात नहीं हो पाती। एज अ स्कूल मेंटर, एज अ कोचिंग मेंटर,
और जो भी मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने देखा है, मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। ये पार्ट इतना बच्चों को डीपली नहीं समझाया जाता है, सीधे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एसेट्रा एसेट्रा। तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। क्वेश्चन ये भी था एनसीईआरटी की, अभी आप एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए क्लास 10 की, तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। अब इसमें लिखेंगे क्या, तो डीएनए कॉपिंग का देख लीजिए क्या होते हैं इंपॉर्टेंस। अगर डीएनए कॉपी नहीं होगी तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स बच्चों में कैसे जाएंगे? पेरेंट्स के डीएनए की फॉर्म में ही तो जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वही तो ट्रांसफर करती है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक मटेरियल ही तो है। तो इट्स हेल्प इन ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये पहली हेल्प है, ये पहली इंपॉर्टेंस है डीएनए कॉपिंग की। दूसरा, इट मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज। दादा के कैरेक्टरिस्टिक तक पौधों के अंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि दादा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे फादर के अंदर और फादर के फिर कैरेक्टर्स गए बच्चों के अंदर, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कैरेक्टर्स हैं वो अक्यूमुलेट भी होते रहते हैं और कुछ वेरिएशन भी उनके अंदर आते रहते हैं। जैसे हमारी फैमिली में किसी बच्चे का बर्थ होता है तो फिर इसकी नाक तो बिल्कुल इसकी बुआ की तरह लग रही है, इसकी आंखें बिल्कुल इसकी दादी की तरह लग रही हैं, इसकी जो भी फेस कट है वो तो इसके मामा की तरह लग रहा है, इसके लिप्स बिल्कुल इसके फादर की तरह लग रहे हैं। ऐसे इंडिया में तो बहुत ही करते हैं, सब अपने अपने नक्शा ढूंढने लगते हैं पैदा हुए बच्चे के अंदर। वो सब क्या है, वो मैटरनल और पैटर्नल डीएनए दोनों आए ना उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि दादी घर वाले सोचे कि हमारे कैरेक्टर्स होंगे, नाना के घर वालों के भी होंगे, क्योंकि मदर से मैटरनल डीएनए उसके अंदर कॉपी होकर आया है और फादर से पैटर्नल डीएनए उस बच्चे के अंदर कॉपी होकर आया है। तो आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों जनरेशन के मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही कैरेक्टर्स बच्चे के अंदर आते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस वेरिएशन, लेकिन मैंने कहा था जब डीएनए कॉपी होती है हर किसी इंसान का डीएनए यूनिक है, ये भी तो होता है ना डीएनए टेस्ट, तो यूनिक क्यों है? यूनिक इसलिए है कि मैटरनल और पैटर्नल दोनों मिले, दोनों मिलने के बाद उसमें कुछ कुछ एरर भी आई, तो उससे एक यूनिक डीएनए तैयार होता है जो उस बच्चे के अंदर है, जो हमारा डीएनए बिल्कुल यूनिक है। हमारे फादर मदर से सिमिलर तो है बट हमारे अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। एग्जैक्ट कॉपी तो हो भी नहीं सकता था क्योंकि मदर और फादर यहां तो दो डीएनए आपस में क्रॉस ओवर कर रहे थे। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेरिएशन विच आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज फॉर लॉन्ग टाइम। ये पॉइंट अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आ पाया भाई। हो सकता है आपको लग रहा है भाई सर तो मैथमेटिक्स की तरह बहुत बात कर रहे हैं यहाँ पर, बायोलॉजी भी थोड़ा बहुत जानते हैं। हाँ कह सकते हैं, थोड़ा तो आप हटा दीजिए, बहुत जानते हैं, ठीक है ना। कभी शौक आया था कि हाँ मैथमेटिक्स का मैं स्टूडेंट था, लेकिन सोचा था कि हाँ कभी बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, तो 10th तक बायोलॉजी पढ़ने के बाद फिर उसके बाद भी मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी। ये मैंने जानबूझकर ये एक पिक्चर यहाँ पर अपनी पीपीटी में लिया है कि इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। ये जो आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रही है, कोई इंसेक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको बीटल कहते हैं। बीटल घास में और ग्रास में आपको ये मिलता है ना, घास वगैरह पत्ते वगैरह खाता रहता है। ये रेड बीटल है। अब इनमें वेरिएशन आया, तो एक वेरिएशन सौयों सालों के बाद इसमें ऐसा आ गया कि ग्रीन बीटल भी पैदा होने लगे। अभी देख रहे हैं इसका मुंह रेड है, जो इसका माउथ है, बाकी पीछे का ये ग्रीन कलर है, ब्लैक लग रहा है आपको, हाँ बट ये ग्रीन है, ठीक है। तो ग्रीन बीटल, अब आप सोच रहे हैं इनको क्या होता था ना, किरो खा जाते थे। मैं आपको एक केस स्टडी समझा रहा हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे वेरिएशन सर्वाइवल में कैसे हेल्प कर रहा है। इनको कौए यानी कि किरो या कोई और चिड़ियां खा जाती थी। रेड बीटल घास में बड़ी दूर से नजर आ जाएगा क्योंकि घास होती है ग्रीन, रेड बीटल जा रहा है उसमें बड़ी आसानी से नजर आ जाएगा, तुरंत पकड़ लेगी कोई भी चिड़िया इसको और खा जाएगी। लेकिन ग्रीन बीटल कैमोफ्लेज हो जाएगा ना, वो एनवायरमेंट में मर्ज हो जाएगा, कैमोफ्लेज आप पढ़ के आए होंगे। तो इस लेवल पे मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। तो ग्रीन बीटल सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है, यानी कि ग्रीन बीटल की अब जो पॉपुलेशन होगी वो कम शिकार बनेगी और उनका नंबर्स बढ़ता जाएगा, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाले सर्वाइवल में, इनके काफी हेल्प मिल गई। तो 3 इंपॉर्टेंस आप डीएनए कॉपी की समझ लीजिए। डीएनए कॉपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग। इट मेंटेन द कैरेक्टर्स इन डिफरेंट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज और इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेरिएशन विच आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल या फॉर दैट स्पीशीज। तो ये बड़ा धीरे धीरे, इसी को फिर हम लोग इवोल्यूशन का नाम देते हैं। फिर इवोल्यूशन में कई सारी चीजें हैं, नेचुरल सिलेक्शन है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, वो काफी ऊंचे टर्म है, तो वो कहना चाहिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में थे, बट वहां से वो टॉपिक हटा दिया गया है।
तो 11th और 12th में जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे वो पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि डीएनए कॉपी क्यों होती है और क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन में, ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर सवाल आता है, ये तीन पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं बिल्कुल बिंदास लिख के आओ, तीन पॉइंट आराम से बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा था, स्टडी रिप्रोडक्टिव चल रही है, अरे नाम ही आ गया रिप्रोडक्टिव, स्टडी प्रोडक्टिव चल रही है, रिप्रोडक्शन चल रहा है तो मुंह पर रिप्रोडक्शन ही आ रहा है, तो स्टडी हमारी चल रही है प्रोडक्टिव। मार्क्स भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए और राइटिंग स्किल्स भी चाहिए, तो हर कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा बिंदास। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। चलिए वेरिएशन तो अभी मैंने बताया भी था, वेरिएशन होता क्या है कि कुछ कैरेक्टर्स नए पैदा हो जाते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं उसके पेरेंट्स हैं। देखिए ये वेरिएशन होकर ही तो इंसान बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बंदर से एप से डेवलप हुआ ना इंसान। वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये मैं डॉगी क्यों लेकर आया हूं, ये डॉगी माउंटेन डॉगी है, पहाड़ों में रहने वाला कुत्ता है। आप जाते ही होंगे घूमने मनाली नैनीताल कहीं ना कहीं हिल स्टेशन पे आप जाइए और वहां के आप डॉग्स को देखिए, वहां के डॉग्स के ऊपर जो हेयर्स है ना वो हमारे प्लेन वाले एरिया के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, बहुत कहना चाहिए झबरा जिसको कहते हैं, झबरे कुत्ते आपको मिलेंगे वहां पर। क्यों मिलेंगे भाई, इतने बाल क्यों है वहां पर उन डॉगीज के, क्योंकि वो अडेप्ट हो गए हैं, उनमें वेरिएशंस आ गया, उनके जो बच्चे हैं वो भी ऐसे ही होंगे। वो यहां पर आ जाए तो हो सकता है उनका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि उनको गर्मी लगेगी, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, तो वो अपने एनवायरमेंट में इस तरीके से अडेप्ट हुए कि उनके हेयर ग्रो होने लगे और जो उनके बच्चे हैं, तो डीएनए कॉपी होती है तो उनके बच्चों में भी जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे वो सर्वाइव कर पाए उस एडवर्स ठंड में। इट कंट्रीब्यूट्स टू द इवोल्यूशन। तो धीरे 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 चेंज आ रहा है ना, इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी का बेस है। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन आते जाते हैं तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। इट हेल्प स्पेशीज टू बी रेसिस्टेंट टू डिसीज, ये स्पेशीज को रेसिस्टेंस डिसीज में भी कहना चाहिए, रेसिस्टेंस ऑफ डिसीज में भी हेल्प करते हैं। सपोज एक एग्जांपल अगर आप एनसीईआरटी का पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया, मान लीजिए बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, बैक्टीरिया असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो मान लीजिए कि वो बैक्टीरिया मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बेयर कर पाते हैं, अगर उससे ऊपर जाएगा तो वो मर जाएंगे। बट वेरिएशन आते 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 कोई ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो गया, वेरिएशन की वजह से उसके डीएनए में कुछ एरर हुई और एक ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो गया जो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेयर कर सकता है। अब जो उसके बच्चे होंगे उसमें वो वेरिएशन जाएगा, ऑब्वियस ही बात है हेरिडिटी, तो अब बैक्टीरिया वो सारे 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बेयर करेंगे। मान लो अर्थ पे 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो वो जो 30 वाले थे वो तो सारे मर जाएंगे, लेकिन वो 50 वाला फिर भी बचा रहेगा। तो इस तरीके से वेरिएशन हेल्पफुल भी होते हैं और डिसीज या फिर इस तरीके से उनको सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। तो ये वेरिएशन का भी इंपॉर्टेंस है और ये वेरिएशन का भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन, बिंदास ये चार पॉइंट लिख के आओ फरमान सर के, बिंदास लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं ये जो अब टिपिकल चीज है अब आसान आएगा। तो रिप्रोडक्शन तो आसान था, वो समझ में आपको आ गया होगा। डीएनए कॉपी क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या, ये आपको क्लियर हो गया। वेरिएशन क्या है और वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन के अंदर, ये भी आपको क्लियर हो गया। ये बात तो समझने वाली है ना क्लास 10th में। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आपको क्या लग रहा है ना, सबकी शादियां होती हैं सारे ऑर्गेनिज्म में, अमीबा यूग्लेना प्लास्मोडियम सबके है ना मेल फीमेल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, बेसिकली दो टाइप का है, एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम बेसिकली बात करें, छोटे बच्चों वाली बात करें, तो असेक्सुअल वन पेरेंटल, सीधे बोलो एक पेरेंटल, जिसमें मोनो पेरेंटल भी कहते हैं, एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है बाई पेरेंटल, यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं आराम से। तो इतनी सारी मेहनत करिए, पिक्चर्स ली हुई है ताकि आपको जरा आसानी से समझ में आ जाए, बाकी आई कॉन्टेक्ट भी बना रहे। उधर नीचे तो नहीं देख रहा हूँ ज्यादा, आप ही की तरफ ज्यादा देख रहा हूँ, जब उधर पढ़ाऊंगा तो उधर देखूंगा, ठीक है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें जो इंडिविजुअल जो पैदा होता है वो अपने एक सिंगल पेरेंट से हो जाता है, अमीबा पैरामीशियम वगैरह वगैरह। सेक्सुअल में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं गैमेट्स, जिनको जर्म सेल और सेक्स सेल भी कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में स्पर्म होता है और ह्यूमन फीमेल में ओवम होता है, एग जिसको कहते हैं।
तो वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो रीजनरेटिव पावर रखते हैं, तो जब उनका फ्यूजन होता है तो वो एक पूरे इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गैमेट्स, गैमेट है ना, राइट, गैमेट, गैमेट भी कहते हैं, जर्म सेल भी कहते हैं, ठीक है, और सेक्स सेल भी कहते हैं। यही नहीं पता बच्चों को, मैंने क्या कहा था, मैथ्स की तरह पढ़ाएंगे यार, कुछ छोड़ेंगे नहीं, जैसी आदत है बस वैसी आदत है। तो उम्मीद है कि इस पर भी सपोर्ट मिलेगा आपसे और अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की अपील तो मैं करता नहीं, जिसको फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। बट मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बस वहाँ तक पहुँचा दीजिए, जो ये मेहनत हो रही है वहाँ तक बस पहुँचा दीजिए, ठीक है, अगर आपके दो चार फ्रेंड्स हैं जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, यानी गैमेट, जिसमें कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसी को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसमें कोई न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रही है दो पेरेंट से और जिसमें उनके गैमेट्स इन्वॉल्व हैं, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, तो जब मैं सेक्सुअल पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा, आज का लेक्चर कन्फाइंड रहेगा, सेक्सुअल पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है तीन लेक्चर्स में या चार लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए असेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल देख लीजिए, एक पेरेंट है, उसने अपने सेल को डिवाइड किया मियोसिस से, तो डीएनए की कॉपी हुई, इधर आ गया और इधर आ गया डीएनए की कॉपी। तो मैं बता दूं मियोसिस और ये माइटोटिक, मैं बार बार जो नाम ले रहा हूँ, मियोसिस का मतलब ये होता है टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहते हैं। मान लो इसमें कुछ भी मान लीजिए 20 क्रोमोसोम्स थे, तो 20 इधर चले गए कॉपी होने के बाद, 20 इधर चले गए, जबकि माइटोटिक में आधे आधे सेल जाते हैं, यानी कि फीमेल जो हमारी मदर रही होंगी उनके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ओवम में 23 क्रोमोसोम्स ही दिए। फादर के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट उनका जो गैमेट होता है, स्पर्म होता है, उसमें 23 होते हैं, ताकि 23 मदर 23 जब फादर से आएंगे तो हमारे जो जाइगोट है जिससे हम बने उसमें भी 46 हो जाएंगे। तो ये माइटोटिक डिवीजन कहलाता है, और इसके बाद जो हमारी बॉडी बनती है उसमें मियोसिस होता रहता है। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है आपको, मियोसिस डिवीजन उस सेल डिवीजन को कहते हैं जिसमें कोई सेल अपने पूरे क्रोमोसोम्स, अपने आने के आगे जो सेल बन रहा है नया वाला, उसमें पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम शेयर करता है, और माइटोटिक में आधे आधे शेयर होते हैं। तो हमारे हर सेल के अंदर मियोसिस हो रहा है सिर्फ गैमेट को छोड़ के, जो हमारे स्पर्म है, ठीक है, जो हमारे फादर के स्पर्म थे उसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स थे और मदर के अंदर 23, तो टोटल मिला के 46 हो गए, फिर हमारे हर सेल के अंदर 46। अभी अगर आप कोई लड़का है तो आपका जो स्पर्म है उसके अंदर 23 है, बाकी आपके बॉडी के हर सेल में 46 है। ये कहानी भी मैं समझाऊंगा, डाइप्लॉइड हैप्लॉइड पूरा गेम है। और जो अगर आप कोई लड़की हैं तो आपके हर सेल, चीक सेल, ये सवाल भी आया था सीबीएसई में, चीक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो आपके ओवम को छोड़ दीजिए, और बॉय है तो अपने स्पर्म को छोड़ दीजिए, जो भी सेल है, हेयर सेल, नेल सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, कोई सा भी, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और उनसे जो नए सेल बन रहे हैं उसमें भी 46 46, यानी कि वहां पे मियोसिस डिवीजन हो रहा है। लेकिन जो हम अपना गैमेट बनाते हैं वहां पे माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, क्योंकि वहां पे हम आधा डीएनए शेयर कर रहे हैं, ये आधा मदर से आएगा और जो बच्चा होगा उसमें पूरे 46 हो जाएंगे। अगर हम अपने गैमेट में भी पूरा करते 46 और मदर से 46, उसका डबल हो जाता 92, फिर उसके बच्चे होते 92 का डबल, फिर उसके बच्चे होते 92 का डबल, तो एक रिसर्च कहती है कि पूरी दुनिया में डीएनए डीएनए फैल जाता है ना। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कंजर्व्ड रहते हैं, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म अपने आने वाली जनरेशन में सिर्फ आधा डीएनए ही शेयर करती है, दैट इज कॉल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन। और असेक्सुअल में पूरा पूरा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मियोसिस डिवीजन। तो एक ये भाई डाउटर सेल बन गया, एक ये डाउटर सेल बन गया, तो ये असेक्सुअल है, इसमें एक पेरेंट से इन्वॉल्व था। अब देखिए सेक्सुअल में देखिए, एक मेल एक फीमेल, इसके स्पर्म और इसका ओवम दोनों फ्यूज हो गए आपस में, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से ये डेवलप होते 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 एक न्यू बॉर्न बेबी बन जाएगा। तो यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, माइटोटिक डिवीजन था, दो अलग अलग गैमेट आए, तो ये भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मैं समझता हूँ यार बेसिक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। चार पांच डिफरेंस भी लिखने को आ जाते हैं, जब हम पूरा पढ़ लेंगे ना ये सेक्सुअल असेक्सुअल, तब मैं आपको एक टेबल दे दूंगा सेक्सुअल और असेक्सुअल के डिफरेंस की, अभी मैं नहीं दूंगा क्योंकि अभी आप पहले पूरी नॉलेज ले लीजिए। तो भैया आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। अब बात कम होगी भैया, काम ज्यादा होगा, आराम से कॉपी लेके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स पूरे कर लो। एक पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं है बच्चों, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट,
द यंग वंस फॉर्म्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट सेल, यानी कि जो भी बच्चे हुए हैं वो पेरेंट की तरह और आपस में भी बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, बस हल्का सा वेरिएशन हो सकता है ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन एंड व्हेन देयर इज एन अबंडेंस ऑफ फूड. कह रहे ये अभी इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा स्पोर फॉर्मेशन में समझाऊंगा एक एक बात का मतलब है. यार बायोलॉजी तो मुझे मैथ जैसी दिखाई देती है, मुझे नहीं लगता यार ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना. अरे सर कैसी बातें कर दी आपने, थ्योरी नहीं है बायोलॉजी, ऑब्वियसली थ्योरी है लेकिन हर थ्योरी के पीछे कोई ना कोई प्रूफ तो है ना, कोई ना कोई लॉजिक तो है ना. फिर मैं पीछे चला जाऊंगा वो आर्टरीज वाले पे, आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं तो उसका कोई वजह तो थी क्योंकि उनको हाई प्रेशर ब्लड कैरी करना होता था. वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिक होती हैं, वीन्स की वॉल्स पतली होती हैं उसमें वॉल्व्स होते हैं. तो यार बायोलॉजी के पीछे भी तो रीजन है रट्टा, फिर वही रट्टे से तो कोई फायदा नहीं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होता है और जहां पर फूड की अबंडेंस होती है, फूड की अबंडेंस. इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं, मैं समझाऊंगा कब स्पोर फॉर्मेशन पढ़ाते हुए टाइम. और ये फास्टर मेथड है भाई, अमीबा 3-4 घंटे में पूरा अपने आप को डिवाइड कर लेता है अगर आप इसकी प्रीपेड स्लाइड्स को देखें. बट अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर आए तो इट टेक्स 52 वीक्स रिप्रोडक्शन होने में पूरा. जो हमारा ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड है वो 52 वीक्स का है और गोट के अंदर ये 6 मंथ का है. 6 महीने में बच्चा जन्म होने में लगते हैं और ह्यूमन बींग्स में तो मैंने बताया था 9 मंथ्स. हाथी में कम से कम 1.5-2 साल का ये टाइम है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. अब आते हैं भैया मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी बता दे रहा हूँ 6 टाइप हैं. कितने टाइप हैं अभी बता दे रहा हूँ, 6 टाइप हैं. एक एक करके 1x1 डिस्कशन करेंगे, 100% यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा. अब आ रही है भैया असली पढ़ाई, ये तो सब बेसिक बना रहा था मैं आपका, ठीक है. चलिए पहला है फिजन. तो मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, फिजन जो है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा. आज तक ये बच्चों को बात पता नहीं. मल्टी सेल्यूलर के अंदर आप मुझे फिजन ला के दिखा दीजिए. चलिए चैलेंज है, ठीक है. यही तो डिफरेंस है फ्रेगमेंटेशन और फिजन में. अभी बता दे रहा हूं भाई, फिजन अकर्स ओनली इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. सर है क्या फिजन? जब कोई पेरेंट बॉडी अपने आप को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर ले और डॉटर सेल बनाए, फिजन कहलाता है. 2 में करे तो बाइनरी फिजन कहलाता है, 2 से ज्यादा में करे तो मल्टीपल फिजन कहलाता है. यार मतलब कितना सिंपल है, और क्या करें, क्या करें बताइए. इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स. व्हेन द फिजन रिजल्ट्स इनटू 2 डॉटर सेल्स इट इज बाइनरी फिजन. एग्जांपल है अमीबा, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो. पैरामीशियम चप्पल चप्पल का है बोल रहे हो सर, चप्पल जैसी दिखती है मुझे तो. ऐसे ऐसे करके इसमें सिलिया होते हैं ना और ऐसे बीच में न्यूक्लियस होता है. पैरामीशियम तो देखे होगे ना. और लीशमानिया, सर ये क्या बोला है भाई लीशमानिया? लीशमानिया से पता है क्या होता है? लीशमानिया से काला अजहर हो जाता है ह्यूमन बींग्स को. सर ये कहाँ कहाँ से उर्दू के वर्ड लेके आ रहे हो? काला अजहर का मतलब होता है ब्लैक फीवर. ब्लैक फीवर ये किताब में छपा हुआ है आपकी, एस चांद में है छपा हुआ, चिंता ही कोई बात नहीं. जो बच्चे एस चांद के कीड़े हैं ना उन्हें मिल जाएगा उसमें, नहीं अच्छी किताब है, ठीक है ना. नहीं पैसे नहीं मिले हुए मुझे, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ उनकी, उनसे भी बेहतर किताबें हैं मार्केट में और सबसे बेहतर तो आप हैं जो अपने की नोट्स बना के खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो अमीबा, पैरामीशियम, लीशमानिया, इन सब के अंदर बाइनरी फिजन होता है, यानी कि इनका एक सिंगल सेल है और ये 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं. क्वेश्चन सीबीएसई ने कई बार आया है कि शो द बाइनरी फिजन इन अमीबा विद अ लेबल डायग्राम. 3 नंबर में सवाल आया है. मैंने कहा था मैं सवाल भी डिस्कस करता हुआ चलूंगा. 3 नंबर में कई बार सवाल आया है शो द बाइनरी फिजन इन अमीबा. देखो सबसे पहले ये अमीबा, थोड़ा सा न्यूक्लियस इसका लेंथेंस होगा. इस पे लेबलिंग आप कहीं से भी किताब से आप देख लीजिए, मैंने देखा नहीं, लेबलिंग वाला डायग्राम बनना मैं लेके आता. तो न्यूक्लियन लेंथेंस होगा यहाँ पर, यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और ये 2 डाउटर सेल बन जाएंगे. देखो ये अमीबा था स्टेप 1. स्टेप 2 में देख लो न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा लेंथी होता जा रहा है और फिर ये और बढ़ गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया. यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियस डिवाइड्स और यहाँ पे लिखेंगे साइटोप्लाज्म डिवाइड और ये 2 डॉटर सेल बन गए जो आपस में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और ये अपने मम्मी या पापा की तरह भी दिख रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स की भी तरह हैं और आपस में भी सेम है क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. यार अभी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इतना लिख के आ जाना,
अमीबा वाला अच्छा है, लिखा हुआ है भाई, व्हेन द अमीबा सेल रीचेस इट्स मैक्सिमम साइज, यानी कि जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसका न्यूक्लियस पहले लेंथेन होता है और डिवाइड होता है दो पार्ट में, उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और ये दो डॉटर सेल बन जाते हैं। बात हो गई खत्म। अब बताओ लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, 3 नंबर में अगर सवाल ये आएगा तो। सीबीएसई ने बहुत बार पूछा हुआ ये सवाल। समझ गए फिजन तो समझ गए सर। अच्छा जी, मल्टीपल फिजन बड़े काम की चीज है यार, जब दो से ज्यादा डिवाइड हो जाएंगे। ये सर ये किसका डायग्राम लेके आए हो यार, पहले अभी स्क्रीन पे देख लो, मजेदार बात है काफी। ठीक है, मलेरिया वलेरिया की बात होगी यहाँ पर। जब फिजन मेनी डॉटर सेल बनेंगे तब तो हम इसको मल्टीपल फिजन कहेंगे। प्लास्मोडियम के अंदर ये होता है, एग्जाम्पल रट लो इसको, प्लास्मोडियम के अंदर। इस एग्जाम्पल को याद कर लो यार, ये जितने एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। अच्छा सर क्यों, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर मलेरिया होता है वो प्लास्मोडियम की वजह से होता है। आता कहाँ आता है ये, कहां से आता है ये, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो कैरी करती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन की तरफ, खून चूसती है, अपनी सकिंग ट्यूब आपकी बॉडी में डालती है, आपका खून उसके अंदर आ गया, आपको मलेरिया था तो अब वो दूसरे इंसान के काट रही है जाके, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, उसके अंदर उसने अपनी सकिंग ट्यूब घुसा दी एकदम। जब घुसा दी तो जो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड था वो उसके अंदर भी चला गया, मिक्स हो गया और सीधा जाके लीवर पे अटैक करता है। और पता है आपको इसकी मल्टीपल पावर एक बार में 1,000 बनाता है, एक सेल से 1,000 1,000। बाप रे, होता क्या है जब इसकी कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट डेवलप करता है, इसको सिस्ट कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन में आता है ये सिस्ट को ब्रेक कर लेता है और ये जितने भी सेल हैं ये बाहर निकल आते हैं, फट से फूट के धमाका हो जाता है। तो देख लो भैया, रिप्रोडक्शन इन प्लास्मोडियम ड्रिंग अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ सिस्ट, सिस्ट कहते हैं इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है, प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल ऑफ प्लास्मोडियम। इनसाइड द सिस्ट, सिस्ट के अंदर ये डिवाइड करता रहता है, करता रहता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, न्यूक्लियस स्प्लिट होते रहते हैं सेवरल टाइम्स और बहुत सारे डॉटर न्यूक्ली बन जाते हैं, यानी कि मैंने क्या बोला 1,000 तक बन जाते हैं। ईच डॉटर न्यूक्ली इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म कलेक्टेड इन साइड अ थिन मेम्ब्रेन, दस अ न्यू नंबर ऑफ न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड विद इन द सिस्ट, सिस्ट के अंदर बनते रहते हैं बनते रहते हैं। ये है सिस्ट, ये है सिस्ट, ठीक है। व्हेन द फेवरेबल कंडीशन, यानी कि अब इनको लगता है कि मौका बढ़िया है बाहर निकलो, सिस्ट हो जाता है ब्रेक और सारे धुम से बाहर निकल आते हैं। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन इन अमीबा। यार टाइम खराब नहीं करना चाह रहा हूं, ऐसे पढ़ाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन मजा तो आएगा ना, समझ में तो आ रहा है, बस यही कोशिश है बोर ना हो बस हमारा बच्चा। देखो भाई सामने, ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, पहला वायरस कहां से आया, ये वही बहस है, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, ये आज तक किसी को नहीं पता कि व्हाट कम्स फर्स्ट, एन एग और अ हेन। गैमेट्स ऑफ प्लास्मोडियम इन द ब्लड, मान लो किसी के ब्लड में था, कैसे पहुंचा, कहां से पहुंचा, किसी को नहीं मालूम। उसके मच्छर ने काटा, मच्छर भी कौन सा, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, मेल कभी नहीं काटता। तो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो का नाम याद रख लो, सीबीएसई ने इस पे भी कई बार सवाल पूछा है, मैं अभी बता रहा हूं। इसको कहते हैं वेक्टर। देखो मैं फिर समझ नहीं आता कितना कितना समझाऊं, क्या क्या समझाऊं। पैथोजिन नाम सुना है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजिन। यार बायोलॉजी तुम्हारा बहुत वीक है, मुझे समझाना पड़ता है डिटेल में, मुझे होता नहीं है सब्र। जिन अभी सुन लो यार, ये कहीं नोट कर लिया करो, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजिन, जिन माइक्रोब्स की वजह से बीमारियां फैलती हैं पैथोजिन कहलाते हैं। और इन पैथोजिन को जो कैरी करते हैं, दोज इंसेक्ट्स और एनिमल्स विच कैरी देम आर नोन एज दियर वेक्टर्स, वो वेक्टर्स कहलाते हैं इनके। तो ये मच्छर इसको इधर उधर लिए घूम रहा है ना, तो ये जो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो हुई ये प्लास्मोडियम का क्या कहलाएगी बताओ, वेक्टर कहलाएगी, और प्लास्मोडियम मलेरिया का क्या कहलाएगा, पैथोजिन कहलाएगा। क्लियर है बिल्कुल, अब सही। प्लास्मोडियम डेवलप्स एंड माइग्रेट टू अ मॉस्किटो सलिवरी ग्लैंड, मच्छर ने इसको काटा, किसी इंसान ने मच्छर को काटा, अरे किसी इंसान ने मच्छर को काटा, ये मैंने क्या बोल दिया, किसी मच्छर ने किसी इंसान को काटा, उसके अंदर कहीं से प्लास्मोडियम प्रेजेंट था ऑलरेडी, तो वो उसकी सकिंग ट्यूब में चला गया, फिर वो प्लास्मोडियम उसके अंदर डेवलप होता है और उसकी सलिवरी ग्लैंड में चला जाता है, उस मच्छर की सलिवरी ग्लैंड। इतना डिटेल में पढ़ा था क्या, पढ़ा था,
नहीं बढ़ा देना, अरे नोट्स बनाओ जल्दी। हाँ ठीक है, प्लास्मोडियम डेवलप्स, इसके की नोट्स बना लेंगे, सब लिख लेना एक एक बात, जब एग्जाम का पर्चा देखोगे ना अरमान सर को याद करना फिर। तो प्लास्मोडियम डेवलप्स एंड माइग्रेट टू अ मॉस्किटो सलिवरी ग्लैंड, सलिवरी ग्लैंड में चला गया, और फिर ये किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को किस कर दिया फिर इसने, मतलब काट लिया। एन अनइन्फेक्टेड पर्सन इज बाइटन, तो ये प्लास्मोडियम कहाँ चला जाएगा, क्या बताया था मैंने, लीवर में, और लीवर के अंदर ये डिवाइड करेगा, बड़ी खतरनाक। वर्ल्ड वाइड लाखों में मौतें होती हैं, लाखों में मलेरिया से, अब डेटा निकाल के देखिए, लाखों में मौतें हो रही हैं मलेरिया की वजह से, बहुत खतरनाक डिसीज है। तो प्लास्मोडियम लीवर में चला जाएगा और प्लास्मोडियम माइग्रेट टू द ब्लड, और ये पर्सन हो गया मलेरिया वाला, अगर सही समय पर सही इलाज नहीं मिला बहुत दिक्कत हो जाएगी। यही साइकिल चलती रहती है, ये मलेरिया की साइकिल थी पूरी। तो प्लास्मोडियम और फीमेल एनोफिल मॉस्किटो का क्या रोल है, रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो यही तो सवाल आते हैं यार, वो डेफिनेशन कौन पूछेगा, पेपर एप्लीकेटिव आने लगा यार, 21st century में हम लोग जी रहे हैं, 1990 वाला जमाना नहीं है कि सिंपल डेफिनेशन आ रही है बस पूछ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाओ, फिजन समझाओ, ये मान के मत चलो। पेपर आपने साइंस का देख लिया था फर्स्ट टर्म का, मैथ्स में तो हलवा हो गया था, है ना, मैथ्स में तो बच्चा बच्चा अच्छा करके आया पेपर, बट साइंस का पेपर को आपको उम्मीद देख के तो अंदाजा लग ही गया होगा क्या खतरनाक लेवल बनाया था, खतरनाक नहीं था, एप्लीकेटिव पेपर था, जिसने समझा था हार्ट के ऊपर कैसा कैसा सवाल उन्होंने दिया था, तो यहां से आपको अंदाजा है, तो बिल्कुल रिप्रोडक्टिव पढ़ो, ठीक है, मतलब प्रोडक्टिव पढ़ो, एक एक चीज को समझो, ठीक है, रट्टू वाली पढ़ाई बिल्कुल मत करो। हो गई बात कहानी क्लियर, दूसरा पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन, और हम आपको ये बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आता कि एक बार सवाल सीबीएसई ने पूछा, मैं आपको बताऊं कि, चलो उससे पहले एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि बच्चों को लगता होगा कि बहुत ज्यादा ज्यादा समझा देते हैं फरमान सर, हाँ यार इतना नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे भी लग रहा है, बोलते बोलते सर में दर्द होने लगा, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ बट इतनी नीड है, टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन जो है ना, फ्रेगमेंटेशन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, याद रखना ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ये बात लिख के रख लो फरमान सर की। मैंने क्या बोल रहा था, एक सवाल आया था सीबीएसई का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख के आ जाइए, इट अकर्स इन कौन, फिजन, क्या बताया था, सिंगल सेल वालों को क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंटेशन अकर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इट कैन बी बाइनरी और मल्टीपल, और इन फ्रेगमेंटेशन अ मैच्योर स्पाइरोगायरा का एग्जांपल अगर हम ले, डिवाइड्स इनटू टू और थ्री फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, और एग्जांपल दे दीजिए बात खत्म हो जाएगी, एक दो नंबर का सवाल ये आया, आ चुका है यार, ये आ चुका है सवाल, तो लिखा है ना इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब क्या डेफिनेशन पढ़ के आपको ये समझ में आता कि स्पेशली सर इस पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको हम अंडरलाइन करके लिखें, नहीं, जब हम किताबें पढ़ते हैं ना तो हमें वर्ड्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती है, इसलिए आपको मेंटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है ये, और ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने के बाद स्मॉल पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर ईच पीस बड़ा होता जाता है और नया बन जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, फिर उसमें डिवीजन होता है। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, सर स्पाइरोगायरा एक अलगाय है यार, स्पाइरोगायरा बता दे रहा हूँ क्या है, स्पाइरोगायरा एक अलगाय है, तालाब और जहाँ पानी पड़ा रहता है उसके ऊपर आ जाती है, इसको काई भी कहते हैं, चिपचिपी चिपचिपी ग्रीन कलर की, हाँ उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे बेटा तो ऐसी दिखेगी, इसके डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे तरीके से, कुछ इस तरीके से मैं आपको सिंपल डायग्राम बताऊं, कुछ इस तरीके से बना लो, यूं करो यार, यहाँ पे तो अच्छा नहीं बन रहा, ये कॉपी पे तो बहुत बढ़िया बनाया था मैंने, यूं करके ऐसे करके, एक दो तीन, बस ये हो गया ख़त्म, यहाँ से यार ठीक इस तरीके से बन जाएगा यार, प्रैक्टिस कर लो। तो ये था आपका फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड हो रहे हैं ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, और ये मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है, बात भी याद कर लेना। हाँ रीजनरेशन, ये यार कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, छिपकली की पूंछ देखिए कभी कटती हुई, छिपकली की पूंछ कट जाती है दोबारा रीग्रो कर जाती है, पता है आपको ये बात, छिपकली की पूंछ कट जाए दोबारा उगने लगेगी वो पूंछ, क्योंकि उसकी पूंछ में ना टेल में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको रीजनरेटिव सेल कहते हैं, वो दोबारा रीडिवाइड होते हैं, सपोज कर लो हमारी बॉडी में भी ऐसे सेल होते हैं, एक उंगली कट गई खच से और फिर वो दोबारा उगाती,
रिजनरेटिव सेल नहीं है ना, तो रिजनरेटिव सेल स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो रीग्रो कर जाते हैं, कमाल की बात है। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है प्लैनेरिया। चलो रटी रटाई डेफिनेशन भी पढ़ लो फिर। इन दिस अ फ्यू ऑर्गेनिज्म में गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, या इट इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। अच्छा करके लिख दो ना। एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड प्लैनेरिया। हाइड्रा बडिंग के में भी है, वो अभी दिखाएंगे आगे। प्लैनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्लैनेरिया के बारे में खास बात बताऊं, ये फ्लैट वॉर्म्स के अंदर आता है। क्लास नाइन में जिन बच्चों ने पढ़ा हो, मैंने क्या बोल दिया, ये क्लास नाइन में जिन बच्चों ने पढ़ा हो डाइवर्सिटी, चलो छोड़ो। फ्लैट वॉर्म में यानी कि बिल्कुल चपटा होता है, फ्लैट। और ये इसकी जो आंखें दिख रही है ना आपको, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड विच हैव आईज। अरे बाप रे, दुनिया में पहला ऑर्गेनिज्म है ऐसा जिसके अंदर आंखें आई थी। इन आंखों को रूडिमेंट्री आईज कहते हैं। हाँ सर, मजा बहुत आता है आपके साथ, बढ़िया एक एक चीज आप समझाते हो। आपकी तरफ से कह रहा हूं मैं, ऐसा बोल दू नहीं बोलू। रूडिमेंट्री आईज कहलाती हैं। इन्हें कलर नहीं पता लग पाते थे, बस ये पता लगा लेती थी, यानी कि सिर्फ लाइट को सेंस करती थी, ये सेंस लाइट ओनली। तो यहां से आंखों की शुरुआत हुई, जैसे मगरमच्छ से चार चैम्बर वाले हार्ट की शुरुआत हुई है ना। मगरमच्छ ही एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें चार चैम्बर हार्ट है, बाकी सब तीन चैम्बर, और फिर हम लोग जो मैमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनमें भी सब में कितना है, चार चैम्बर है। चलिए उस बात को तो छोड़ते हैं। रूडिमेंट्री आईज थी, वो आईज कहलाती हैं जो सिर्फ लाइट को सेंस करती है, हाँ भाई अंधेरा, हाँ भाई उजाला। जैसे आंखें बंद करके, आप आंखें बंद करिए इस तरीके से और रूम का बल्ब ऑफ कर दीजिए, पता चल जाएगा अंधेरा है। ऑन करिए, पता चल जाएगा उजाला है। अंधेरा होने पर थोड़ा काला काला सा फील होता है, ब्लैक ब्लैक लगता है, और जब लाइट होती है थोड़ा रेड रेड लगता है। करके देखिएगा, ऐसा ना बचपन में करते थे। तो प्लैनेरिया की खास बात यह है कि इट इज द इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ विच हैव आईज, रूडिमेंट्री आईज वो कहलाती थी। बट इसके अंदर खास बात यह है कि अगर हम प्लैनेरिया को चाकू से जाके, है ना, ये आपको पॉन्ड वाटर और सी वाटर वगैरह में मिलता है, तो अगर हम इसको चाकू से जाके कच 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 तीन पीस में कट कर दें जाके, तो देख रहे हो आप, सर से एक प्लैनेरिया बन गया, एक प्लैनेरिया इसके मिडिल पार्ट से बन गया और एक प्लैनेरिया लोअर पार्ट से बन गया। सर ये बीच में ये क्या दिख रहा है, ये बच्चों इसका एनस है, जहां से ये अपने फैसिस या बॉडी सॉलिड वेस्ट, सॉलिड जो वेस्ट होते हैं उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, तो देख रहे हैं आप। फिर ये थोड़ा सा गिरो हुआ, ये नया प्लैनेरिया, नया प्लैनेरिया, नया प्लैनेरिया। बट इसमें एक बड़ा खतरनाक सवाल मैंने आते हुए देखा, और मैंने आते हुए क्या देखा, मैंने खुद दिया बच्चों को, और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में मैंने दिया था अपने टेस्ट सीरीज में, कि रीजनरेशन इज द एक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लैनेरिया। अब सुनते रहिएगा ये सवाल, पूरे लेक्चर एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ। जो बच्चे समझने वाले ना, पढ़ने वाले, मजा आ जाएगा उन्हें कि फरमान सर ने जैसा मैथ्स पढ़ाया वैसा ही बायोलॉजी पढ़ा दिया। तो सुनिए अब आगे, या इज दिस द, या रीजनरेशन इज द एक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लैनेरिया। अब बच्चों ने प्लैनेरिया में रीजनरेशन पढ़ा हुआ था, ये रीजनरेशन तो प्लैनेरिया में होता है और यहां पर बात भी चल रही है। ट्रू, 100% बच्चे ट्रू लिख के आ गए, आंसर तो गलत हो गया। अब मेरा सवाल सुनिए, मैंने पूछा था रीजनरेशन इज द एक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लैनेरिया, मतलब प्लैनेरिया क्या रीजनरेशन से ही मतलब रिप्रोड्यूस करता है, मतलब प्लैनेरिया एक जब मैच्योर होगा तो वो वेट करता होगा कोई मुझे आए और मुझे तीन पीस में कट कर दे या चार पीस में कट कर दे जिससे मैं अपने बच्चों को जन्म दे सकूं। तो क्या वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जाके चाकू से उसे काट के आएंगे? अगर वो नहीं कट पाया तो उसके बच्चे ही पैदा नहीं हुए और सारे प्लैनेरिया दुनिया से खत्म हो गए। लेकिन प्लैनेरिया तो है दुनिया में, यानी कि ये कंडीशन है। अगर वो एक्सीडेंटली कोई मछली उसको आधा खा गई, या एक्सीडेंटली वो किसी भी कहीं एक्सीडेंटली वो कट हो गया उसका कोई बॉडी पार्ट, तो वहां से वो रीग्रो कर जाएगा। बट उसका जो एक्चुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, वो रीजनरेशन नहीं है, वरना तो सारे एक्सटिंक्ट हो जाते। अब बताइए मजा आया कि नहीं आया पढ़ के? तो इट इज नॉट द एक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए, कितनी सारी बातें आपको रीजनरेशन के बारे में पता चल गई। बडिंग, कोई ऑर्गेनिज्म होती है इस, अब ये ऐसा है ना, ये सिंगल सेल भी में भी हो सकता है और मल्टी सेल में भी हो सकता है। यूनिसेल्यूलर भी के भी एग्जाम्पल इसमें मिल रहे हैं,
और मल्टी सेल्यूलर के एग्जाम्पल भी इसके अंदर पाए जाते हैं, मल्टी सेल्यूलर दोनों बता दूंगा। तो ये हाइड्रा जो है दिखने में कैसा लग रहा है आपको, दिखने में कैसा लग रहा है, कोई प्लांट जैसा लग रहा है, बट ये एक एनिमल है। हाइड्रा एक एनिमल है, लग प्लांट जैसा रहा है, कोई पेड़ वेड़ है। ये सी वाटर के अंदर पाया जाता है, समुद्र में मिलेगा आपको। इसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होती है, इसको बर्ड कहते हैं, आउटग्रोथ डेवलप होती है। फिर ये बर्ड बड़ी होती जाती है और पूरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर यहां से डिटैच हो जाती है, डिटैच अलग हो जाती है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लो, 2, 3, 4, 5 डायग्राम मुश्किल से आपको पूरे सिलेबस में मिलेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरी बात मार्क करके रखो, मार्क माई पार्ट्स। ये हाइड्रा वाला, अमीबा वाला बहुत बार सवाल आया है, बहुत बार। तो इन सम ऑर्गेनिज्म अ बर्ड इज फॉर्म विच डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल, इट डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी अपॉन मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर हो जाती है, पेरेंट की बॉडी से दूर हो जाती है, डीअटैच हो जाती है और ये नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाती है। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा है और एक एग्जाम्पल मैं आपको ईस्ट बता रहा हूँ। ये दो एग्जाम्पल आप बर्डिंग में लेके चले, हाइड्रा ईस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, आई प्रॉमिस। अरे कह दिया तो कह दिया यार, बस हो गई बात, अब खत्म। भरोसा कर रहे हो, पढ़ के चलो बस मेरे साथ, ठीक है, बात खत्म हो गई। भरोसा कर रहे हो ना, तो बस चलो मेरे साथ, जितना कह रहा हूँ करो। पूरे हायर लेवल में पढ़ा रहा हूँ, कुछ छोड़ता नहीं हूँ, तो अब बिल्कुल ही बिलीव कर सकते हो। तो क्या बात चल रही है, हाइड्रा वाली। तो एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसको बर्ड कहते हैं, वो ग्रो होगी और ग्रेजुअली वो बढ़ती जाएगी, और फिर जब मैच्योर वो हो जाएगी तो वो पेरेंट की बॉडी से डीअटैच हो जाएगी और फिर वो ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, फिर उसके अंदर बर्ड निकलेगी। तो ये हाइड्रा आपको एक एनिमल है जो समुद्र में आपको मिलेगा। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बर्डिंग, ईस्ट क्या है, ईस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन में, इसके बिना तो दारू नहीं बनेगी इसके बिना फर्मेंटेशन नहीं हो पाएगा ना, इसके बिना तो वो केक भी नहीं बन पाएगा बच्चों। तो ईस्ट एक फंजाई, पहले तो मैं बता दूं फंजाई। अच्छा और बताइए सर, कुछ थोड़ा नॉलेज बढ़ा दीजिए। फंजाई सारी मल्टी सेलुलर होती हैं, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, यार बताना तो बहुत कुछ आता, लेकिन ईस्ट जो है वो ओनली यूनिसेलुलर फंजाई है। ये ओ नहीं है, ये यू है, यूनिसेलुलर फंजाई है। यार इस पर राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं आती है, वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है, चिंता मत करो, ठीक है। तो फंजाई सारी आपको मल्टी सेलुलर मिलेंगी, बट ईस्ट इज द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, और उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, बर्डिंग होगा। मोस्टली फंजाई के अंदर आपको स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव मेथड मिलेगा, बट ईस्ट के अंदर आपको बर्डिंग मिलेगा। ये बातें नोट कर लीजिए, लिखी हुई, हर कुछ तो मैं नहीं लिख सकता यार, बड़ी मेहनत लगती है। फिर मैं यहाँ लेक्चर में आके बोलूंगा क्या, तुम तो कहोगे सब रट के आते हैं, देख देख के बोलते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए बोलता हूँ, वरना एक एक चीज पेज नंबर वाइज रटी हुई है यहाँ पर, दिमाग में सब लिखा हुआ है, ठीक है, वरना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एनीवेज, और क्या सर, फंजाई बता दीजिए, फंजाई क्या होती है, बहुत यार डीप में हो जाएगा मसला। फंजाई ना प्लांट्स के अंदर है ना एनिमल्स के अंदर है, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स तो होते हैं, जाइलम और फिलियम, बट क्लोरोफिल नहीं होता है, जहां इसको खाना मिलता है ना वहां पे ये ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो ईस्ट एक सेल था, इसमें देखिए छोटी सी बर्ड निकली और इसका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगा। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो ये पेरेंट बर्ड थी, मतलब पेरेंट ईस्ट था और ये एक ईस्ट और बन गया। और अगर ये बहुत रैपिड ग्रोथ होती है तो एक के ऊपर 2-3 चिपकते जाते हैं, और इसको चेन बर्डिंग कहते हैं, चेन ऑफ बर्ड। चेन बर्डिंग से आपके समुद्र के हजारों लाखों साल में जो बहुत बढ़िया बढ़िया क्रिएचर है ना, कोरल रीफ्स, स्पॉन्जेस से जो बने हैं, सी एनीमोन, ये सब बर्डिंग के अंदर आते हैं, अभी दिखाऊंगा धीरे धीरे। तो ईस्ट के अंदर बर्डिंग का भी सीबीएसई ने सवाल अभी तो 3-4 साल से नहीं पूछा है, बट 5 साल से पहले ईस्ट का बहुत सवाल पूछा सीबीएसई ने कि लेवल डायग्राम दिखाइए, या ये बने हुए आ जाते थे डायग्राम और ऑर्गेनिज्म का नाम पूछता था, पूछता था कि ये बताओ कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इस टाइप से बहुत सवाल पूछे। तो ईस्ट एक यूनिसेल्युलर फंजाई है जिसके अंदर बर्डिंग मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। इट आल्सो हेल्प्स इन फर्मेंटेशन और केक वगैरह जो हम बनाते हैं, ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा होगा, ये इसको सी एनिमोन कहते हैं, इसमें भी बर्ड की ग्रोथ होती है और वहां से दो इंडिविजुअल बन जाते हैं। रियल में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, समुद्र के क्रिएचर्स हैं ये। तीसरा आपको मैं और बताऊं, ये बहुत ब्यूटीफुल क्रिएचर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको कोरल रीफ्स कहते हैं, कोरल रीफ्स। और हमने नदियों में इतना पोल्यूशन कर दिया और इतना उसका कहना चाहिए एसिडिक कर दिया, उस पानी को बेसिक कर दिया,
इतने प्लास्टिक और इतने एसिड्स हमने उसके अंदर फेंके कि कोरल रीफ्स की लाइफ को खतरा है आजकल। और यूपीएससी में ये सवाल पूछा जाता है, पूछा गया इवन कोरल रीफ्स के बारे में सवाल यूपीएससी में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे समुद्री क्रिएचर्स का घर है, इसमें बहुत सारी मछलियां छोटे छोटे चीजें रहती हैं और उनसे उन्हें खाना मिलता है। कोरल रीफ समझ रहे हैं, जैसे ट्राइबल पीपल जंगलों में रहते थे, अंग्रेजों ने आके उन्हें बाहर कर दिया। क्या एसएसटी भी आती है यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ज्योग्राफी भी आती है, लेकिन फेवरेट मैथमेटिक्स लगी पढ़ने में तो मैथमेटिक्स को पकड़ लिया, बस बात है ये। ठीक है, तो कोरल रीफ्स बहुत ही खूबसूरत क्रिएचर्स होते हैं समुद्र के अंदर। आपने फोटोग्राफ देखे होंगे अपनी बुक्स के और कॉपी के कवर पेज पे भी ये छापे गए। तो कोरल रीफ्स के अंदर भी बडिंग होके बडिंग स्पंज, जो इनका एक इंडिविजुअल है उसको स्पंज कहते हैं, और स्पंज में भी क्या होता है बडिंग, चेन बडिंग होती है, और उससे ये कोरल रीफ्स बने हुए हैं। तो इनके अंदर भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग है, और मैंने बताया जैसा कि अभी ये जो है खतरे में है, इंडेंजर्ड स्पेशीज हो चुकी है। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन नंबर 5। बडिंग आपको समझ में आ गया, स्पोर फॉर्मेशन मेनली आपको फंजाई के अंदर मिलेगा। एक ब्रेड को अगर हम रख देते हैं, यार ब्रेड का टुकड़ा भी मैंने लिया था कहीं ना कहीं, देखो ये रहा। एक ब्रेड को या रोटी को आप 4-5 दिन रख दीजिए धूप में, जहां पे उसको धूप भी मिले, रोटी में खाना आ रहे। अब आई बात, देखो चलो याद आ गया, जब मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था तो उसमें लिखा था कि जो ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये अबंडेंस ऑफ फूड में होता है और फेवरेबल कंडीशन में होता है। मैंने कहा था उसका पॉइंट में समझाऊंगा। तो देखिए फंजाई को मैंने क्या बोला था, इसके बाद वेस्कुलर बंडल तो होते हैं बट क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये खाना नहीं बना सकती, बट ये मिनरल्स और वाटर्स को जमीन से निकाल सकती है। खाना कैसे लेगी? तो खाने के लिए इसको चाहिए एक्स्ट्रा चीज। कोई एक्स्ट्रा चीज कहां से मिलेगी? कोई रोटी खराब हो रही है, हमारा खाना खराब हो रहा है, कोई ब्रेड का पीस कहीं रखा हुआ सड़ रहा है, वहां पर ये ग्रो कर जाती। सर आई कहां से वहां पे? उसे फंजाई को कैसे पता चला कि इसी ब्रेड के ऊपर जाना है? फंजाई की जो माइक्रो बॉडीज है ना, जिनको स्पोर्स कहते हैं, इसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन, वो हमारे चेहरे पे भी गिर रही है, हमारी बॉडी पे गिर रही है, बट हमारे ऊपर गिरो नहीं हो रही है क्योंकि हम अपना फेस वॉश करते हैं, अपने आप की साफ सफाई करते हैं, नहाते हो डेली? नहीं, ठंड पड़ रही है बहुत, 2 दिन में नहा लो एक बार। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, जैसा आपको बेटर लगे, इट डिपेंड फ्रॉम द इंडिविजुअल। तो स्पोर फॉर्मेशन में होगा क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। इन दिस मेथड द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स क्लोज्ड इनसाइड अ स्पोर केस। अब ये पहली बार कहां से आई? फिर वही मुर्गी अंडे वाला हो जाएगा काम, तो इसलिए पहले पूरा समझ लेते हैं, तब आपको ये पूरा एक इसका आउटमैप बन जाएगा। इसमें जो पेरेंट होता है वो बहुत छोटी छोटी माइक्रोबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, और वो माइक्रोबॉडीज रिप्रोडक्टिव होती हैं, अगर वो कहीं लैंड करेंगी और उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो रीग्रो हो जाएंगी इन अ न्यू इंडिविजुअल, और वो एक केस के अंदर बंद रहती है। ये एक राइजोपस का एग्जाम्पल मैंने लिया है, राइजोपस और ब्रेड मोल्ड एक ही बात है बच्चों, ठीक है भाई। ब्रेड मोल्ड, ये रोटी के ऊपर जो ब्रेड के ऊपर जो फंजाई उग करके आती है उसको राइजोपस कहते हैं बायोलॉजिकली, बट वैसे कॉमन लैंग्वेज में ब्रेड मोल्ड कहते हैं। उसका ये आपको डायग्राम दिखाया मैंने, इसमें ये छोटे छोटे इसके जो नीचे वाले जो आपको ये स्टेम पार्ट दिख रहे हैं इनको हाइफा बोलते हैं, और ये फिलामेंट है, और ऊपर जाके ये जो केस दिख रहा है, ये जो बॉल के अंदर जो बंद है, इस बॉल जो ऊपर की केजिंग है उसको स्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे ये जो आपको दिख रहे हैं इनको स्पोर्स कहते हैं। अब ये पहला कहां से आया वो छोड़ दो, ये पूरा उग गया, उगने के बाद ये स्पोरेंजियम बस्ट हो गया और हजारों लाखों स्पोर्स हवा में फैल गए, बड़े हल्के हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अभी जहां मैं पढ़ा रहा हूं हो सकता है यहां भी ऐसे फैले हुए हो, जहां बैठ के आप पढ़ रहे हैं वहां भी हो आपके रूम के अंदर। अब ये हवा में फैल गए भैया, आपके ऊपर भी लैंड कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आपके ऊपर तो खाना नहीं मिल रहा है, आप तो फेस वॉश से मुंह अपना धोए जा रहे हो। अब रोटी के ऊपर ये गिर गए, कहीं ब्रेड पड़ा हुआ था उसके ऊपर ये गिर गए, तो इन्हें खाना मिल गया, थोड़ी बहुत नमी भी थी वहां पर, मॉइस्चर, और थोड़ी बहुत इनको धूप भी मिल रही थी, वार्मथ चाहिए, थोड़ी सी मॉइस्चर चाहिए और फूड चाहिए, बात फिर तो इनकी लग जाती है और ये उगाते हैं। दैट इज कॉल्ड फपूंदी, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं फपूंदी आ गई भाई, इस तरीके से है। फिर वो ब्रेड के ऊपर जो हो गया उसमें नया भाई राइजोपस उग के आया होगा, उसके स्पोरेंजियम से, उसके स्पोरेंजियम से बहुत सारे लाखों करोड़ों स्पोर्स निकले, वो हवा में फैल गए। अब समझे बात को, तो जब वो स्पोर्स, अब दोबारा इस कहानी को रिपीट करेंगे, तो वो जो स्पोर्स होती हैं वो माइक्रो रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, जो कोई फंजाई रिप्रोड्यूस करती है, वो अगर फेवरेबल कंडीशन में लैंड हो जाती हैं जहां उन्हें फूड मिलता है, फिर वो रीग्रो हो जाती है नए ऑर्गेनिज्म के अंदर,
इसी मेथड को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं और ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा फंजाय के अंदर। बट एक फंजाय होती है यूनिथेलुलर जिसका नाम होता है ईस्ट और वो बडिंग करती है। समाचार समाप्त हुए, ठीक है ना। देखो कि अब पॉइंट्स के अंदर मैंने लिख दिया है क्योंकि ये जब इस पे स्पोर फॉर्मेशन का जब भी क्वेश्चन आया डेफिनेशन कोई बन नहीं पाई, वो हमेशा तीन नंबर का सीबीएसई ने सवाल दिया इस पे कि पूरा विद डायग्राम इसको समझाओ। तो ये वाला डायग्राम आप तैयार कर लो, स्पोर फॉर्मेशन का भी डायग्राम तैयार करना है। देखो सब करते अपनी मनमर्जी, आप कितना भी कुछ कह लो, जो पढ़ने वाले होंगे उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं ये वर्ड नहीं भी बोलता ना तो वो ये डायग्राम को तैयार कर लेते, लेकिन एज अ मेंटर ये मेरा फर्ज है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा इस डायग्राम को प्रिपेयर कर लीजिए स्पोर फॉर्मेशन का कहीं भी आए, क्योंकि एज एन एग्जामिनर ऑफ बोर्ड सीबीएसई बोर्ड जितने बच्चों की कॉपियां अभी तक चेक की मैंने, अब ये कोई डायग्राम बना के आ रहा है और कोई सिंपली सिर्फ लिख के आ जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है डायग्राम से अट्रैक्ट तो होता है टीचर, आपको मार्क्स तो देगा। आपने लिखा कम है लेकिन आपने डायग्राम बनाया अच्छा, यानी कि आपको उस कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ तो थी, तो एग्जाम में नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। इसी को तो कहते हैं ना कॉपी रिप्रेजेंटेशन। मैं हमेशा बोलता हूं 90 नंबर या 95 नंबर 95 नंबर आप अपनी कहना चाहिए कि काबिलियत से पढ़ के ला सकते हो, पढ़ के 100 नंबर नहीं ला सकते। 100 नंबर फिर राइटिंग स्किल और फिर टेक्निकल चीजें आती हैं उसमें, और 100 नंबर वाला तुम्हारे सर ने प्रोड्यूस किया है बच्चा जिसके मैथ में 100 में से 100 नंबर आ चुके हैं, साइंस में 99, एक नंबर कम रह गया था। साइंस वाला भी मिल जाएगा 100 में से 100, चिंता की कोई बात नहीं है ना। चलिए तो व्हेन द स्पोर केस बस्ट, जब स्पोर केस बस्ट होता है तो जो स्पोर्स हैं वो हवा में फैल जाते हैं, और व्हेन दीज एयरबॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन द फूड और सोयल, जब ये मिट्टी में या फूड में लैंड करते हैं तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में और ये नए प्लांट्स में उगाते हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं और नॉन फॉलोवरिंग प्लांट्स, नाम क्या है सर? नॉन फॉलोवरिंग प्लांट लिख दिया सर आपने, आपको पता तो है नहीं है ना। अरे बता फंस, आप ये नेट पे सर्च करके देख लेना फंस क्या होता है, और मोजेस, ये दो टाइप के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो स्पोर फॉर्मेशन से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। एक और एग्जांपल तुम्हारे फरमान सर ने लिखा है पेनिसिलियम, यस ये वही पेनिसिलियम है जिसको एडवर्ड जेनर ने ढूंढ के पहली बार क्या बनाया था, वैक्सीन बनाया था, पहला वैक्सीन दुनिया का। नहीं यार गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, पेनिसिलियम का यूज करके हाँ वैक्सीन भी बनाए और पेनिसिलियम का यूज करके एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम का यूज करके एंटीबायोटिक दवाई बनती है वो, ये वही पेनिसिलियम है, ये भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है स्पोर फॉर्मेशन से। एग्जांपल याद रखो ब्रेड मोल्ड जिसको राइजोपस कहते हैं, पेनिसिलियम और नॉन फ्लेवरिंग प्लांट फंस एंड मोजेस, स्पोर फॉर्मेशन यहीं पे खत्म हो गई बात, ठीक है ये तो मैं दिखाई चुका था आपको। अब आता है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसा कि इसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जब प्लांट्स का, सर वेजिटेटिव का मतलब समझा दो, प्लांट का कोई ऐसा पार्ट जो रीग्रो होने की क्षमता रखता हो। एक काम करो गुलाब की पत्ती लेके आओ उसे जमीन में लगा दो, नया गुलाब का पेड़ उगाएगा। नहीं सर झूठ बोल रहे हो आप, नहीं उगेगा सर, हाँ नहीं उगेगा, सही बात है मैं झूठ बोल रहा हूँ। ब्रायोफाइलम की पत्ती लेके आओ ये, अरे सर सेवन क्लास में सुना सुना तो लग रहा है, अच्छे से पढ़ लिया होता तो यहाँ काम देता। हाँ ये वही सेवन क्लास वाला है, समझ रहे हो। तो ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जो अपनी लीव से नया प्लांट उगाता है। मनी प्लांट की जड़ें ले आओ, गन्ने का स्टेम ले आओ, गुलाब की टहनी ले आओ, सामने पिक्चर आपको दिखाई दे ही रहा है। तो हमने ये देखा आलू, आलू को पीस में कट कर लो जहां उसकी आई होती है वो लगा दो, धड़ से उगाएगा बिंदास। तो पता ये चला कि प्लांट्स के अंदर उनके कुछ पार्ट्स वेजिटेटिव होते हैं, वेजिटेटिव का मतलब जो नए प्लांट्स में रीग्रो होने की क्षमता रखते हैं, अगर हम उसको फेवरेबल कंडीशन में प्लांट करते हैं तो वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। इसी मेथड को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, और इस मेथड से वो प्लांट भी उगाते हैं जो बीज प्रोड्यूस नहीं करते। जिन प्लांट का बीज ही नहीं होगा वो कैसे उगेंगे, सारे प्लांट के बीज होते हैं, बहुत होशियारी दिखा रहे हो, सारे प्लांट के बीज नहीं होते। गन्ने का बीज लाओ जरा, गन्ने को काट के ही लगाया जाता है खेत में, ठीक है। तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैंने तो ये सब चीज़ें खुद से की हैं, बहुत करीब से मैंने सारी चीज़ें, ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये एक एक एक्सपेरिमेंट मैंने खुद से किया भी और देखा भी है अप टू क्लास एट्थ के बाद फिर गांव से ताल्लुक जो था वो छूट गया। चलिए लंबी कहानी है, बाद में डिस्कस करेंगे।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट स्टेम एंड लीव्स। दो दो एग्जाम्पल सबके याद कर लो, दो दो एग्जाम्पल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन आएगा? अच्छा इसके तीन मेथड है, या चलो यार पहले वो वाला ले लेते हैं। रूट, तो रूट के अंदर आता है स्वीट पोटैटो, पहले उसको समझा देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है उसमें, एग्जाम्पल कहीं अपने किसी किताब से देख लेना, या मैं अभी बोल रहा हूँ तो अभी लिख लो यार किताब से, फिर कहेंगे सर ने पढ़ा दिया और फिर किताब से बोल रहे देख लो। तो रूट में आपका मनी प्लांट भी चलेगा, स्वीट पोटैटो चलेगा, स्टेम वाले में आपका रोज चलेगा और शुगर केन चलेगा, और लीव्स वाले में आपका ब्रायोफाइलम चलेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इसमें हम तीन मेथड हैं, इसमें नेचुरल भी है और एक आर्टिफिशियल है जिसे टिश्यू कल्चर का नाम दिया गया है। तो जरा ध्यान से सुनो इस बात को। हाँ जी, कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल कई बार आया, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। कटिंग क्या है? कटिंग, तो कटिंग के लिए हमें देखना पड़ेगा अ स्मॉल वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट रिमूव्ड बाय कटिंग विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। क्या मतलब है? मतलब ये है, इसी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट नाइफ से कट कर लिया जाएगा और इसको दूसरी जगह पे जाके प्लांट कर दिया जाएगा जिससे वो नए प्लांट में ग्रो हो सके। एग्जाम्पल रोज हो गया, शुगर केन हो गया, ये कटिंग से देखो, कहीं से गुलाब की टहनी लाए और इसको हमने अपने गमला में लगा दिया, देखो यहां से पत्तियां निकली और कुछ दिन के बाद फूल भी उगाया। समझ गए कटिंग? समझ गए? तो कटिंग में क्या होगा, पहले प्लांट को काटा जाता है, बाद में उसमें जड़ें आ जाती हैं। ये सर ये बोला क्यों आपने, कोई वजह तो होगी कि पहले काटा जाता है बाद में जड़ें आती हैं? क्योंकि जो दूसरा मेथड है ना लेयरिंग, उसमें पहले जड़ें उगाते हैं बाद में काटते हैं। चलो दिखाता हूं। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को शार्प नाइफ से कट करेंगे और दूसरी जगह पे उसको जाके प्लांट करेंगे और वो एक नए प्लांट में रीग्रो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कटिंग। और एग्जांपल है रोज, शुगर केन एक्सेट्रा, याद कर लो। दूसरे पे चल लो, लेयरिंग देख रहे हो, ये जैस्मिन का प्लांट है, पहले समझ लेते हैं। तो जैस्मिन के प्लांट को क्या करा, इसकी टहनियां भी फ्लेक्सिबल होती हैं और इसको झुका के जमीन में गाड़ दिया और इसे हुक हुक लगा के इसके ऊपर वेट रख दिया, हुक हुक लगाया ऐसे करके खींच के लाए यूं करके, और आधी ब्रांच मिट्टी में डाल दी और उसका दूसरा पार्ट बाहर निकाल लिया। यार ये तो इन्होंने बिल्कुल साइन की वेव बना दी है, यूं 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 कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है ना, तो इतनी फ्लेक्सिबल भी नहीं होती है। चलो तो हम मान ले रहे यहां से यहां तक थी, ठीक है ये मान लो बस यहां से यहां तक थी। तो हमने एक ब्रांच को झुकाया, उसका कुछ पार्ट जमीन के अंदर दबाया ताकि वो बाहर ना निकले, उस पर कुछ वेट रख दिया और उसमें कुछ दिन पानी डालते रहे, पानी 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 डालते रहे, उससे उसकी जड़ें निकल आई। जब उसकी जड़ें निकल आई तो उसको यहां से कट कर दिया, और कट करने के बाद इस प्लांट को यहां से निकाल लिया, छोटा सा प्लांट है ना, और यहां पे जाके लगा दिया जहां भी हमें लगाना है, जिसके घर को भी देना है उसके घर पे दे दिया, तो कहना हमें ये चाहिए। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है जैस्मिन, जैस्मिन ऑयल जो खुशबू के लिए यूज किया जाता है, परफ्यूम के लिए यूज किया जाता है और रूम स्प्रे के लिए यूज किया जाता है, काफी अच्छा फ्लेवर होता है जैस्मिन, हिंदी में चमेली कहते हैं उसको। हाँ जी, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद अ मॉइस्ट सॉइल लीविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड। सही है, ये खुद किया है अपन ने। आफ्टर सम टाइम न्यू रूट डेवलप हो जाएंगी, फिर उस ब्रांच फिर इस ब्रांच को कट कर लिया जाएगा और इसके बाद इसको कहीं और लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल है जैस्मिन स्ट्रॉबेरी, ये लेयरिंग से उगाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मैंने बोला था कटिंग में पहले काटा जाता है बाद में जड़ें उगाई जा रही है, इसमें पहले ग्रो करी जाती हैं रूट्स और बाद में कटिंग करी जाती है। और लेयरिंग आपकी दो टाइप की होती है, अगर मैं आपको बताना चाहूं बच्चों, दो टाइप की लेयरिंग होती है। सर अगर प्लांट ऐसा हुआ कि उसकी जो ब्रांच है वो नीचे ही नहीं आई, क्या पता नीचे से वो सीधा जाता हो? सर सर के पास जवाब है ना उसका, सर यहां से जा रहा है ब्रांच, उसकी यहां से निकली सर, तो सर अब मैं इसको नीचे कहां से लाऊं क्योंकि जमीन तो यहां पर है, ये तो झुक के यहां तक कैसे आएगा? उसके लिए एक तरीका है, आप दो लकड़ी के पीस लीजिए और इनको सपोर्ट से बांध दीजिए और यहां पे एक पॉलीथिन में मिट्टी इकट्ठी करके इस मिट्टी को हवा में बांध दीजिए, इसको एयर लेयरिंग कहते हैं, एयर लेयरिंग। और ये जो अभी हम कर रहे थे ये वाली जमीन के अंदर थी, इसको ग्राउंड लेयरिंग कहते हैं या माउंड लेयरिंग कहते हैं। तो एयर लेयरिंग भी करेगा, किसी स्टैंड वगैरह लकड़ी का बना के
ये दो डंडे वंडे लगा के इसके ऊपर पॉलिथीन में मिट्टी लेके भर के बांध दी जाएगी, इसमें पानी डालते रहो डेली, इसमें जड़ें निकल आएंगी और यहां से कट कर लो, फिर हवा के अंदर लेयरिंग हो जाएगी बहुत बिंदास। ये यार ये तो हॉर्टिकल्चर में पढ़ाया जाएगा जब प्लांट के बारे में पूरे बीएससी वीएससी करोगे तो। सही है। अब आता है ग्राफ्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एक पेड़ पे दो फल आ जाते हैं इसमें, एक पेड़ पे दो फल बिंदास, ठीक है। क्या है ये जल्दी से देख लेते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे, इन दिस मेथड द स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स आर कट। नीचे वाला पार्ट किसी और प्लांट का होगा, ऊपर वाला पार्ट किसी और प्लांट का होगा। वन विद द रूट एंड अदर विदाउट रूट, एक रूट वाला प्लांट और एक रूट वाला ये है और एक ये विदाउट रूट वाला ये है। दोनों को सिलेंटिंग पार्ट में कट करके या इसको बीच में से कट करेंगे ताकि इसका ये वाला पार्ट इसके बीच में घुसा सके इस तरीके से, और इसको आराम से बांध देंगे। आम की बहुत सारी फसलें आती है ना, आपने देखा होगा बंबई आम, दशहरी आम, लंगड़ा आम, अल्फोंसो आम, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, चौसा आम है तो आम की सब वेराइटी। तो सबसे ज्यादा आम में ही किया जाता है, एक आम के पेड़ पे दो दो आम के फल आपको मिल जाएंगे बहुत बिंदास अगर आप ये मेथड करें। अब मैं आपको थोड़ी सी इसमें बात समझा दूं। एक ऊपर वाला प्लांट ले लिया किसी वेराइटी का, लेकिन स्पेशीज सेम होना चाहिए, और एक नीचे वाला ले लिया। ऐसा नहीं है कि सर किसी प्लांट में भी कोई सा घुसा दो, है ना, थोड़े बहुत तो उनके आपस में कैरेक्टरिस्टिक जीन्स मैच करने चाहिए। तो उनके बाद बोथ आर ज्वाइंट टुगेदर एंड पार्ट विद द रूट्स इज सोन इन द सॉइल, जिसके पास रूट्स हैं वो नीचे है, और दिस रिजल्ट इनटू अ न्यू प्लांट दैट हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। इसके अंदर दोनों, यार ये बड़ी अमेजिंग टेक्निक है भाई साहब। मेरे गांव में जो बाग है ना, आम के बहुत बाग है हमारे गांव में, तो उसमें कई सारे प्लांट ऐसे हैं, और हम बचपन में हैरान रहते थे कि एक ही पेड़ पे एक आम जो कच्चे होते हैं ना वो खट्टे हैं और दूसरे वाले पे मीठे हैं भाई, एक ब्रांच पे और पेड़ एक ही है, तो हम बड़ा हैरत में थे। फिर फादर से पूछा तो फादर ने बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन फादर को पता नहीं था कि इस मेथड को ग्राफ्टिंग कहते हैं, ना हमको पता था। जब 10th क्लास में हम आए और हमने बाद में पढ़ा तो ये बात कहानी समझ में आई। गांव में जो लोग कर रहे हैं उन्हें ये मालूम नहीं कि ये किताबों में भी लिखा हुआ है, क्योंकि वो एंशियंट टाइम से दादा के जमाने से और उनके दादा के जमाने से करते आ रहे हैं। हमने भी देखा, बड़ी हैरानी हुई, और फिर पता चला कि अरे ये तो किताबों में। अब जो बच्चे किताबों में पढ़ रहे हैं उन्होंने कभी देखा नहीं है, और जो कर रहे हैं उन्होंने कभी किताब नहीं पढ़ी है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, ठीक है ना। अगर ये वो नॉलेज, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज और ये फिर टेक्निकल नॉलेज अगर मिल जाए ना साथ में, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है इंडिया में, बहुत कुछ। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। द कट स्टेम ऑफ द प्लांट हैविंग रूट, अब नंबर की बात कर लो, जो नीचे वाला प्लांट है जिसपे रूट है यानी कि जिसकी जड़ें हैं उसको स्टॉक कहते हैं, याद रखना स्टॉक कहते हैं, जिसकी जड़ें हैं उसको स्टॉक कहते हैं, और जो आपने ऊपर से लाके बांधा है उसको सायोन कहते हैं, सायोन। एग्जांपल ये आपको एप्पल, पियर और मैंगो में बहुत लार्ज लेवल के ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक है। एप्पल, पियर, मैंगो, बात हो गई खत्म। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हम टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन भी इसको कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो टेक्निक है, माइक्रो प्रोपगेशन। जल्दी से सुन लो, लैपटॉप की बैटरी मेरी डाउन होने वाली है ना, चेक करना पड़ेगा भाई कितनी बच रही है। चलिए चार्जिंग से कनेक्ट कर लेते हैं। चार्जिंग से कनेक्ट करने में थोड़ा सा वॉइस की दिक्कत होगी, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा मैं धीरे बोलूंगा बट मैनेज करना पड़ेगा, वॉइस स्विच ऑफ हो जाएगा तो पूरी मेहनत खराब। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको टिश्यू कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, इसमें करेंगे क्या कि थोड़ी बहुत कहना चाहिए वेपन्स, वो लैब में जो हथियार होते हैं क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से प्लांट्स के ग्रोइंग टिश्यू को रिमूव कर लेंगे। एपिकल मेरिस्टेम, याद होगा आपको क्लास 9th में, जो अपर पार्ट्स ऑफ शूट और लोअर पार्ट्स ऑफ रूट पे ग्रोइंग टिप पे पाया था, तो ग्रोइंग टिश्यू को हम रिमूव कर लेंगे। बट इन टिश्यू कल्चर अरे एंड सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। इन टिश्यू कल्चर अ न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। अब आपने टिश्यू रिमूव कर लिए, फिर इन टिश्यू को आप क्या करेंगे, दी सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। उस आर्टिफिशियल मीडियम को अगर भी कहते हैं, छापा यार देख लो, अगर केमिकल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर वो हॉर्मोन्स होते हैं जो उनको डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल। तो ये छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप बन जाते हैं, गोल गोल लम्स भी कहते हैं, छोटे छोटे से लम्स बन जाते हैं, और फिर इन लम्स को कहते हैं कैलस,
कैलस या सैलस जो भी कह लो, तो ये देखो ये बन गए, ये टिश्यू हमने रिमूव किया और ये इसमें डाल दिए, छोटे छोटे कैलस बन गए। फिर इनको दूसरे इसमें डाल दिया जाता है जहां पे ये रूट और शूट में डिवाइड होते हैं, ऐसे हार्मोन होते हैं। द कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे पास ऐसे हार्मोन होते हैं जो उनमें क्या प्रोड्यूस करा देते हैं, शूट और रूट। अब उनको फिर क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे पौधे बन गए उनमें रूट भी आ गए शूट भी आ गए, उनको प्लांटलेट्स कहते हैं, बेबी प्लांट, प्लांटलेट्स। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल, फिर उसको मिट्टी में लगा दिया जाता है जिससे वो मैच्योर प्लांट में होगा। सर फायदा क्या है, देखने का फायदा बताऊंगा। किसी भी मौसम में उगा लो, छोटी सी जगह में हजारों प्लांट उगा लो और जितने भी प्लांट्स होंगे वो डिसीज फ्री प्लांट होंगे। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे डिसीज फ्री प्लांट्स पाए जाते हैं, उगते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर ये ऐसी टेक्निक है जिससे डिसीज फ्री प्लांट्स उगेंगे, किसी भी मौसम में उगेंगे, जगह बहुत कम चाहिए होगी और बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स उगाए। समझ आ रही बात, ये इसके फायदे। प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की इंपॉर्टेंस है ये, टिश्यू कल्चर की नहीं। पीछे वाली बात बता, ये जो हमने सायोन से जो पौधा उगाया वो ऑलरेडी इतना बड़ा पौधा है, अगर कोई पौधा नीचे से उगता ना तो पहले इतना बड़ा होता, पता लगे बाद में उसे कोई इसी बच्चे ने तोड़ दिया, कोई बकरी खा गई। जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो भी हम पौधे उगा रहे हैं उनकी हमें अटेंशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, बहुत जल्दी वो बड़े हो जाते हैं क्योंकि आधे तो वो बड़े थे ही, और उन पर फ्रूट वाकई में बहुत जल्दी आ जाता है 2 साल के। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर, प्लांट्स विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल सीड्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जिन प्लांट्स के अंदर एबिलिटी नहीं है सीड्स से ग्रो करने की वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उग जाते हैं। ऑल प्लांट जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट की तरह, सीडलेस वेराइटीज कैन बी ऑब्टेंड, और सीडलेस वेराइटी हम इससे ऑब्टेंड कर सकते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की इंपॉर्टेंस है जो हमें उसके बाद पढ़ानी चाहिए थी एनीवेज। और टिश्यू कल्चर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, डिसीज फ्री प्लांट्स होंगे, ये शायद स्लाइड में नहीं आ पाया है तो आप इसको नोट्स में अलग से इंक्लूड कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से, ठीक है। हाँ क्या हो गया, बहुत कम जगह चाहिए होगी, वी नीड वेरी लेस स्पेस, और फ्रॉम दिस टेक्निक वी कैन ग्रो द न्यू प्लांट्स इन एनी क्लाइमेटिक कंडीशन और इन एनी सीजन, सॉरी सीजन में उगा सकते हैं, ये बात आपको। और हाँ, फ्रॉम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू वी कैन ग्रो लार्ज नंबर, यानी थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स टिश्यू कल्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट द असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम क्लास। एक एक चीज मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई। अब उसके बाद जो एंजियोस्पर्म होते हैं यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, उनके अंदर सेक्सुअल मेथड होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इवन ये आप मान के चलिए ये एक लेक्चर 4 लेक्चर के बराबर था। इससे जो भी नोट्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं वो नोट्स आप अपने कंप्लीट कर लीजिए, जितना भी मैंने पढ़ा है, और इसको मल्टीपल रिवीजन डे बाय डे, आप यकीन मानिए 3 दिन आप 10-10 मिनट रिवीजन कर लीजिए नोट्स बनाने के बाद, नोट्स बनाने के बाद 3 दिन 10-10 मिनट का रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद वीकली 2 रिवीजन कर लीजिए वीकली, ये आपको रट गए। इसके बाद जो PDFs या फिर जो इसकी कहना चाहिए टेस्ट सीरीज वगैरह होंगी वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मेल एड्रेस भी आपको देता हूँ अगर आपकी कोई क्वेरी है। जो बच्चे मेरे टच में हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं तो कुछ बच्चे मेरे डायरेक्टली टच में हैं जो मेरे स्टूडेंट्स, तो उन तक वो PPTs और जो नोट्स हैं PDF वो पहुँच जाते हैं। वाइड स्टूडेंट्स के लेवल पर तो मैं नहीं पहुँचाऊँ, वेबसाइट अभी मेरी डेवलप हो रही है तो वाइड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स पे भी हम लोग काम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लार्ज नंबर्स पे भी। तो अभी मेरा मेल डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है, तो जहाँ से अगर कोई क्वेरी आपको है या आपको मैं नोट्स अगर आपको चाहिए, आप नए बच्चे हैं मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो वो मैं आपको मेल कर सकता हूँ अगर आप मुझे मेल कर। एनीवेज बाकी जो तो बच्चे टच में हैं वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहे, बाकी सारे बच्चे क्वेरी आती है तो पूछ सकते हैं, और जो मैंने बोला है उसको डेफिनेटली फॉलो करें। नोट्स बनाने और 3 दिन इसका 10-10 मिनट कर लीजिए, आप कुछ प्रिपरेशन करें तो प्रोडक्टिव हो, मतलब प्रोडक्टिव हो। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।